हम लोग पुल बनाएंगे, ऐसी पुल बनाएंगे जो हिलेगा नहीं। आपके सरकार के समय में गांधी सेतु जर्जर हो गया था, उसके अलकतरा तक अलकतरा पी गए थे एक मंत्री, जेल का बोरा रखा रहता था और लालू जी उठवा के मंगवा लेते थे। वो सरकार, उसी सरकार और उसी परिवार के लोग हैं ना तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आपको बता देते हैं कि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, बयानों के घेरे में भाजपा या फिर कहें एनडीए तो बनी हुई है विपक्ष की तरफ से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं। स्वागत है हमारे चैनल में राकेश जी, आपका स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। अच्छा, बात करते थे, तेजस्वी यादव ने फिर से बोला है। देखिए, बोला क्या हम पढ़कर बताते हैं कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लगभग 20 दिनों के अंदर एक दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं, रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव का यही बयान है कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पुल गिर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, रेल दुर्घटना हो रही है? बोलना तो चाहिए ना, कुछ समीक्षा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए कि इस गांधी सेतु पर छोटे नहीं, बड़े 9 पुल बन रहे हैं। कोई पुल बनाया है क्या? एकाध दो बनाए भी तो उनके सामने ही में गिर गए, धराशायी हो गए। हमने तो विकास का पुल बनाया है, लोगों के बीच अमन और शांति का पुल बनाया है, देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने वाला पुल बनाया है और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला पुल बनाया है। जिन्होंने पुल बनाया ही नहीं और इक्का दुक्का अगर बनाया भी तो उनके सामने में धराशायी हो गए, वो भी पुल गिरने की बात कर रहे हैं। हमने तो लोगों के बीच, बिहार की जनता के बीच विश्वास का पुल बनाया है, वो गिरने वाली नहीं। जो कुछ पुल गिरे जरूर हैं, लेकिन हम निश्चिंत रहिए तेजस्वी जी, हम लोग पुल बनाएंगे, ऐसी पुल बनाएंगे जो हिलेगा नहीं। आपके सरकार के समय में गांधी सेतु जर्जर हो गया था, उसके अलकतरा तक अलकतरा पी गए थे एक मंत्री, जेल में बंद रहे। कौन अलकतरा पी गए थे मंत्री? आप नाम लीजिए, नाम लीजिए। अलकतरा पीने वाले मंत्री उन्हीं में किस सरकार में थे? वो इलियास हुसैन जी, जिनके घर पर पैसे का बोरा रखा रहता था और लालू जी उठवा के मंगवा लेते थे। वो सरकार, उसी सरकार और उसी परिवार के लोग हैं ना तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी, मुंह मत खुलवाइए, बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग के पास है। बिहार को विकास के रास्ते पर जाने दे, बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है जरा उस पर भी लगाम लगाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे अपराधियों के लिंक आपसे जुड़ते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों के लिंक आपसे जुड़ते हैं, इसलिए बिहार को विकास के रास्ते पर जाने करेंगे। राकेश जी, आपसे पुल की बात आती है कि पुल टूटते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि पुल टूटा जरूर है लेकिन किसके शासनकाल में बना है, पथ निर्माण मंत्री कौन थे उस समय आपको बेहतर पता है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जितने भी क्रिमिनल यहाँ पर उभरते हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक रहता है तेजस्वी यादव या फिर राजद के किसी नेता से, तो क्या मतलब हम यही समझे कि बिहार में अगर अपराधे हो रही है तो वो राजद के लिंकअप से हो रही है, बिहार में अगर कुछ पुल टूट रहा है या फिर कुछ भी प्राकृतिक चीज़ें हो रही है तो वो भी राजद से लिंक रहता है? देखिए, प्राकृतिक अपराध आपदाओं पर तो किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन बिहार में अगर अपराध बढ़ा है या अपराध है या अपराध अगर आगे होने वाला है, कोई घटना दुर्घटना होने वाली है, बस कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारे बात की जांच पड़ताल जो कराइए, हम जो कह रहे हैं उसकी जांच कराइए। क्या अपराधी के लिंक आपके परिवार से नहीं जुड़ा है? क्या पेपर लीक करने के वाले सरगना का लिंक आपके पीएस से नहीं जुड़ा है? बिहार में जो भी भ्रष्टाचार और अपराध होता है सारे के लिंक लालू प्रसाद जी के परिवार से जुड़े होते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे, बताइएगा, भविष्यवाणी की गई है लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि अगस्त तक आपकी सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। हंस रहे हैं आप, लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी कर दी है? लालू प्रसाद जी कोनो एरोलॉजिस्ट तो है नहीं और राजनीति में भी जितना दावा करते हैं उतने बड़े जानकार नहीं लालू जी। अगर उतने बड़े जानकार होते तो जो सपने देख रहे थे वो सपने हकीकत में बदल जाते, लेकिन बिहार की जनता ने मन बनाया कि
कि हमको विकास करने वाला लोग चाहिए, हमको विनाश करने वाला लोग पसंद नहीं है। और इसीलिए इनको वर्षों से सत्ता से दूर रखा है। वो तो नीतीश जी की कृपा मनाइए कि इनके दोनों पुत्रों को सेट कर दिया, अन्यथा इनके दोनों पुत्र इसके लायक नहीं थे। क्रिकेट खेलने के लायक तो थे भी नहीं और राजनीति के पीच पर भी खेलने लायक नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के कृपा से कहते हैं मेरी गलती से ये लोग राजनीति में आ गए। इन लोगों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी, इन लोगों का जगह राजनीति में नहीं है। जो अपराधियों को पालने में विश्वास करता है, जो अपराधियों को महिमा मंडित करने में विश्वास करता है, जो पेपर लीक करने वाले, जो गलत करने वाले लोग हैं उनको पालने में विश्वास करता है, वैसे लोगों पर बिहार की जनता को का भरोसा नहीं है। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कद्दावर प्रवक्ता हैं भाजपा के। खासा हमने इनसे बातचीत की कि आखिर लालू प्रसाद यादव की जो भविष्यवाणी है वो कितने हद तक सही हो सकती है। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर भी हमने इनसे वार्तालाप की, जो भी कुछ इन्होंने कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इतनी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।